हेलो वेलकम एवरीवन, लेट स्टार्ट डिमांड फोरकास्टिंग। सो डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर बेसिकली थ्योरी डजंट कम दैट मच, ओनली न्यूमेरिकल कम। सो हियर वी हैव टू मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। देर इज ऑल्सो मूविंग एवरेज मेथड विच इफ़ पॉसिबल आई विल टेल यू इफ अगर वीडियो जल्दी खत्म हो जाता है तो, बट मूविंग एवरेज के न्यूमेरिकल्स नहीं दिए है। रीड दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग मेथड। नाउ लेट स्टार्ट द न्यूमेरिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल विच आर देयर इन द मॉड्यूल। सो जिनको दिखता नहीं है, आंखें कमजोर है, पेज नंबर 11 निकाल लो मॉड्यूल का। सो विल डायरेक्टली सॉल्व फ्रेंड्स, बिकॉज ओनली न्यूमेरिकल कम फ्रॉम दिस चैप्टर। सो फर्स्टली हियर इट इज गिवन ईयर एंड हियर इट इज गिवन सेल्स, यू मे नोट डाउन। सो फर्स्टली हाउ टू स्टार्ट। सो वाई, देर इज वन एक्स वन वाई, ये तो सबको ही पता है। सो वाई के अंदर आपने सेल्स लिख देना है जो भी दिया है। सो द सेल्स इज 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92, ये सब सेल्स लिख दिया। ये ऑब्वियसली वाई है। वाई यानी निकालना क्या है, सेल्स ही निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग पीरियड, प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर नेक्स्ट थ्री इयर्स। वाई, ये वाई लिख दिया। अभी एक एक्स का कॉलम बना देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका मिडल पॉइंट है 83। इसके सामने जीरो लिख दो। अच्छा, केरल वाले भी लोग हैं अपने साथ। राइट इन द मिडल पॉइंट जीरो एंड अपवर्ड्स यू मूव -1, -2, -3, डाउनवर्ड्स यू मूव 1, 2, 3। डू द टोटल सबमिशन, इसका मतलब सबमिशन, दिस मीन्स सबमिशन। सबमिशन एक्स इज इक्वल टू जीरो, सबमिशन वाई इज इक्वल टू 630। नाउ यू हैव रिटन एज इट इज सेल्स, यू हैव पॉइंटेड द मिडल पॉइंट एंड यू हैव रिटन -1, -2, -3, 1, 2, 3 यू हैव रिटन। नाउ जस्ट टू कॉलम्स मोर, एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर -3 × -3 = -9 है ना, नहीं +9 है। अच्छा, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, इट्स एज सिंपल एज दैट। -3 × -3 - 2 × -2, सो एक्स का स्क्वेयर किया है। एंड नाउ द सेकेंड वन, एक्स वाई, डू एक्स वाई, सो मल्टीप्लाई एक्स विथ वाई, सो 83 = 240 बट -240। लाइकवाइज यू कैरी ऑन, -92, 0, 94, 198, 276। नाउ डू द टोटल, सो सबमिशन एक्स वाई इज 56, सबमिशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है, 28। सबमिशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28, बस कैलकुलेशन करना है। सो यू हैव रिटर्न सेल्स, यू हैव पॉइंटेड द मिडल, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये जीरो आ गया। y स्क्वायर लिख, y लिख लिया, x स्क्वायर कर लिया और y और x को मल्टीप्लाई कर लिया, y स्क्वायर नहीं करना है। नाउ बेसिक, एकदम इजी वाला, दो फार्मूले आपको लर्न करने हैं, सबमिशन y अपॉन n। जस्ट रिमेंबर टू फार्मूलाज, वन इज सबमिशन y अपॉन n, सबमिशन y अपॉन n, n यानी n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n इज इक्वल टू 7, दिस इज द 7 ईयर डेटा। अभी ये भी लिखना पड़ेगा, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ओके, दिस इज सबमिशन वाई, सबमिशन एक्स स्क्वायर, सबमिशन एक्स वाई, ओके। एंड द सेकेंड फॉर्मूला इज सबमिशन एक्स वाई अपॉन, आप ही बताइए अभी क्या बचा है। फ्रॉम हियर सी व्हाट इज लेफ्ट, वाई को ले लिया, एन को ले लिया, एक्स वाई को ले लिया, अभी क्या बचा है, एक्स स्क्वायर, सबमिशन एक्स स्क्वायर। सो इट्स 630 upon 7 = 90, 56 upon 28 = 2। नाउ वन फार्मूला, ए प्लस बी एक्स, अरे भाई कितने फार्मूला है, ए की तो बोला एक्स वाई अपॉन एन, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ ए प्लस बी एक्स, ए क्या है, एक्स तो अपने को निकालना है। अभी क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है,
प्रोजेक्ट द सेल फॉर नेक्स्ट 3 years, तो अपन 2008 की बात करते हैं, 2007 तक है, यानी 2008, 2009, 2010 वी हैव टू फाइंड आउट. सो फर्स्ट लेट्स फाइंड ऑफ 2008. सो फॉर 2008 फोरकास्ट ऑफ सेल फॉर 2008 इज, ए इज गिवन 90, वी हैव कैलकुलेटेड, प्लस बी इज 2, एंड वॉट इज एक्स, यही तो दिक्कत करेगा बहुत ज़्यादा. सो एक्स इज, इफ एक्स इज 3 फॉर 2007, वॉट इज एक्स फॉर 2008, ऑब्वियसली इट्स 4, एंड इफ यू सॉल्व इट विल कम टू 98. इफ यू कैलकुलेट फॉर 2009, ए प्लस बी एक्स, ए इज ऑलवेज 90, यानी ये क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे, प्लस बी इज 2, एंड वॉट विल बी एक्स फॉर 2009, इट विल बी 5. सो फॉर 2009 इट कम्स टू 100. सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग आई विल रिपीट वंस अगेन फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल बी ऑफ 15 मिनट्स, बट पूरा अच्छा एक चैप्टर आपका हो जाएगा जिसका क्वेश्चन 6-7 नंबर का आ सकता है एग्जाम में. सो फर्स्टली सेल्स यू हैव रिटन, अभी वापस नहीं बताऊंगा, ये लास्ट बार बता रहा हूँ, इसके बाद और एक टाइप का न्यूमेरिकल है. सेल्स यू हैव रिटन, उसके बाद उसका सेंटर ढूंढ लेना, उसके सामने जीरो लिख देना, देन राइट -1, -2, -3, 1, 2, 3, देन डू एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई, डोंट गो राइट साइड, जस्ट डू एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई, डोंट डू ऑफ वाई स्क्वायर बिकॉज वाई इज गिवन, सेल्स का स्क्वायर नहीं करेंगे, इट इज एज सिंपल एज दैट. नाउ रिमेंबर वन थिंग, सबमिशन वाई छोटा है तो एन लिख दो, एक्स वाई बड़ा है तो उसके साथ बड़े के लिए एक्स स्क्वायर लिख दो, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, सबमिशन वाई अपॉन एन, सबमिशन एक्स वाई अपॉन एन, ए आ गया, बी आ गया. नाउ 2008 फोरकास्ट करना है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर 3 है तो अगर अपन और कॉलम बनाते 2008 का तो एक्स 4 आता. सो ए प्लस बी एक्स इज द फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला, 90 प्लस 2 4 आ गया. 2010 का निकालना है तो यहाँ पे जो एक्स आएगा वो यहाँ लिख देना और हो गया. दिस इज वन न्यूमेरिकल विच इज ऑफ डायरेक्ट मेथड. नाउ वील डू वन न्यूमेरिकल विच इज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टेक आउट पेज नंबर 13 एंड लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 13, फिट अ लीनियर रिग्रेशन. इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन how to solve. So firstly here it is given x y, so write as it is x 5 7 8 11 14. Now write y, which is also given in the question, 9 13 11 15 19. Now what you do, you only tell me, y ka tum square karne wale ho kya? Nahi. What you will do, x ka square karoge, x square kar do, 25 49 64 121 196, सबकी टोटल करना और एक्स वाई, एक्स वाई कर दो, 45 91 88 165 266. सबमिशन एक्स वाई इज इक्वल टू 655, सबमिशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 455, सबमिशन y इज इक्वल टू 67, सबमिशन x इज इक्वल टू 45. x दिया था, y दिया था, एज इट इज लिख दिया, x का स्क्वायर कर दिया, x एंड y इज मल्टीप्लाइड. नाउ द रियल गेम starts. हियर इट इज गिवन, फिट अ लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x. y ऑन x ये तो पता है ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यहां पे भी वही किया था, ये देखो a प्लस बी एक्स, यानी ही y, y निकाल रहे थे ना, y मीन्स सेल, सो सेल ही निकाल रहे थे, तो a प्लस बी एक्स अपन ने किया था. सो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. नाउ यू हैव टू लर्न दिस टू इक्वेशंस, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है. फर्स्ट इक्वेशन इज सबमिशन y इज इक्वल टू n a प्लस b सबमिशन x, एंड सेकेंड इक्वेशन इज सबमिशन x y इज इक्वल टू a सबमिशन x प्लस b सबमिशन x स्क्वायर. क्या बात कर रहे हो यार,
फ्रेंड्स आई कांट हेल्प, ये दो फार्मूले हैं ये आपको रटना ही पड़ेगा, बिकॉज चार न्यूमेरिकल मॉड्यूल में है, दो न्यूमेरिकल फर्स्ट वाले के, दो न्यूमेरिकल सेकंड वाले के, एंड ये पूछेंगे इंस्टीट्यूट, मुझे मालूम है. सो वी हैव रिटन दिस टू फार्मूलाज, नाउ लेट्स स्टार्ट, जस्ट कीप द अमाउंट्स. सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, डायरेक्टली आई एम कीपिंग द अमाउंट, दिस इज फर्स्ट सेकेंड. तो सबमिशन वाइज 67 इज इक्वल टू 5a प्लस 45b, इसको आप इक्वेशन वन बोल दो. इक्वेशन टू इज 655 इज इक्वल टू 45a प्लस 455b, इट्स इक्वेशन टू. कहाँ से आया, सबमिशन वाई 67 एन ए 5a, बी सबमिशन एक्स 45b, ए और बी नहीं पता है, ए और बी नहीं पता है, बस एक्स पता है. सो वी हैव रिटन, नाउ वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. सो सॉल्व करने से पहले कुछ कटिंग करनी पड़ेगी. सो 45 को अपन यहाँ से क्रॉस कर देंगे, सो वील मल्टीप्लाई इट बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट विल बिकम 45 एंड वी कैन कट इट. सो इफ वी मल्टीप्लाई वी गेट 603 इज इक्वल टू 45a प्लस 405b, एंड इफ वी मल्टीप्लाई 1 सो देयर इक्वेशन विल बी सेम, 45a प्लस 455b. नाउ चेंज द साइंस, माइनस माइनस माइनस, दिस गेट्स कैंसल्ड, इट कम्स टू 52 इज इक्वल टू 50b. सो बी इज इक्वल टू 52 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1.04. सो बी वैल्यू इज 1.04. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी 1.04 इनटू इक्वेशन 1, सो इट कम्स टू 67 इज एज इट इज इक्वल टू 5a इज ऑल्सो एज इट इज 45 इनटू 1.04. सो इट कम्स टू 67 इज इक्वल टू 5a प्लस 46.8. सो इट कम्स, अभी और कहाँ गया, हाँ 20.2 इज इक्वल टू 5a, सो a इज इक्वल टू 4.04. ये सॉल्व किया है फ्रेंड्स, बाकी कुछ नहीं किया है. सो वी हैव b अमाउंट, वी हैव a अमाउंट. नाउ आवर इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस bx. अब बोलिए कौन से साल का उनने बोला है या क्या बोला है. उनने बोला है 10 लैक्स एंड 20 लैक्स का निकलना है. अपन 20 लैक्स का पहले निकाल लेते हैं, इट्स सिंपल. सो a, वॉट इज a, a इज 4.04 प्लस b इज 1.04 इंटू 20. x निकालना है, x अपन ने 1, 2, 3 नहीं रखा था यहाँ पे, 14 तक अपन ने निकाला था, तो ये 15 नहीं होने वाला है. उनने बोला है 20 लैक्स के लिए निकालिए x का, 20 लैक्स के लिए निकालिए x का इन लैक्स, 14 के लिए इतना है, 20 के लिए निकालिए. तो x अपन एक नंबर आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे 20 लैक्स है तो 20 लैक्स के लिए निकालना है. सो इट कम्स टू 24.84. सो यू कैन चेक द आंसर गाइस, 24.84. सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व डिमांड फोरकास्टिंग. आई होप आपको वीडियो पसंद आया, बहुत मेहनत लगती है. प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. दिस टू न्यूमेरिकल्स आर देयर, क्वेश्चन टू इज बेस्ड ऑन दिस एंड क्वेश्चन 4 इज बेस्ड ऑन द सेम थिंग विच वी हैव डन. टेक केयर, ऑल द बेस्ट.